आफ्टर 12 क्लास के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। अब मान लो 12 के जस्ट तुरंत बाद हमें जॉब चाहिए, ठीक है, उसके बाद या तो आर्मी या इस टाइप के वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है SSC, SSC का फुल फॉर्म शायद तुम जानते हो गए, कनेक्शन, ठीक, ये आपके LDC होता है या कुछ 10+2। LDC का फुल फॉर्म है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए डायरेक्ट फंडिंग का एग्जाम करवाता है ये, और इसको क्वालिफाई कर लेते हो आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आप एज अ क्लर्क अपॉइंट हो सकते हो। बट मान लो आपको नहीं चाहिए कि छोटा सा क्लर्क का जॉब मेडिकल होगा, तो उसके लिए आगे आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया और इसमें जॉब की बात करेंगे जो आपके प्रॉपर इंजीनियरिंग यानी कोर्ट क्या बात है। ग्रेजुएशन आपको जनरली 3 स्ट्रीम से करते हो, या तो आपने साइंस से कर लिया, ठीक है, या आर्ट से कर लिया, या तीसरा जनरली फेमस एक है कॉमर्स, ठीक है। तो साइंस से कोई भी ग्रेजुएशन आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो, यही SSC का एग्जाम करवाती है CGL, ठीक है। CGL आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्जाम करवाता है, या IBPS एक ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका बैंक में अगर आपको एज ए क्लर्क के अपॉइंट होना या प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये गर्ल्स के भी काफी पॉपुलर लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बैंक के साइड है, जैसे इधर बैंक साइड इसका तैयारी कर रहे थे, तो आप IBPS के थ्रू बैंक या CGL में अप्लाई कर सकते हो। बट आपका MA नहीं, मुझे और आगे जाता है, टीचर हो सकता है बंदा, तो आपको अगर कुछ भी कर लिया तो आप उसके बाद आपको BA करना होगा, ठीक है। अभी 2 ईयर्स का कोर्स चल रहा है और कंबाइंड आप ग्रेजुएशन के साथ BA करना चाहते हो तो 4 ईयर्स आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो कंबाइंड 4 ईयर्स जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, आपको 4 ईयर्स अगर आपको टीचिंग में जाना ही है तो 12th के बाद ही आपको 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड BA कोर्स करना होगा, या तो आप साइंस वाले हो उसके साथ कर सकते हो, आर्ट्स में BA करना हो या कॉमर्स वाले, और आपको अगर 10 क्लास 10 तक का टीचर बनना है तो आपको एक एग्जाम होता है CTE, ठीक, तो बोलते हैं सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई करना होता है, ये क्वालिफाई करने के बाद जो भी PGT लेवल या PGT बोलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उस एग्जाम के फॉर्म अगर आते हो उसको भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। KBS हो गया, NBS हो गया, BSSP दिल्ली वाला हो गया, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन BA और ये CSET या उस स्टेट का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप वहां के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट आपको थोड़ा आगे बढ़ा नहीं, मुझे 10 क्लास बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मुझे 12th को पढ़ाना है, तो इसलिए आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स, इसको बोलते हैं मास्टर्स, आप किसी से भी कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट में आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना होगा, जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, मैथ का बनना है, इंग्लिश का बनना है, साइंस का बनना है, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका वर्ग आपको मास्टर्स करना होगा। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स BA है तो आप 10+2 के टीचर यानी लेक्चरर बन सकते हो। बट आपको इसके बाद भी जाना नहीं, मुझे 10+2 नहीं पढ़ना है, मुझे और आगे सीनियर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एक दूसरा एग्जाम NAT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी, ठीक है, जिसको क्वालिफाई करना होता है। और इसके साथ एक और एग्जाम होता है नेट, इसको बोलते हैं JRL, नेट का थोड़ा हायर लेवल है, JRL जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप इसका हायर रैंक फाइंड कर लेते हो तो जो यूनिवर्सिटी है जहां से
आपको पीएचडी करनी होगी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वो आपको फेलोशिप होगी 35,000 या 40,000 ऐसा रेट हो। तो साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ आपको फेलोशिप मिलती है, जिससे आप अपनी रिसर्च आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है।